दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में यशपाल मलिक समेत कई जाट नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को सरकार वापस लेगी, हर एक वर्ग को समान अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 15 फरवरी को होने वाली जाट रैली को स्थगित कर दिया गया। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के राई में बन रहे टीएमपी और केजीपी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर खट्टर ने कहा कि 31 मार्च तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद देश के पीएम हरियाणा पहुंचेंगे, उनकी ओर से उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के लिए पीएम से समय मांग लिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि केएमपी और केजीपी का कार्य पूरा होने के बाद यहां से फ्री मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को काफी फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि जिस भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम को जब वो सहन नहीं कर सकते तो ये उस पार्टी की औचित हरकत है। साथ ही जींद में 15 फरवरी को होने वाली हुंकार रैली स्थल का आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने दौरा किया। उनके साथ पुलिस महानिदेशक डीएस सिंधु भी उपस्थित रहे। जींद में रैली स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस रैली को लेकर दिए गए। रैली स्थल का दौरा करने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि ये बेहद खुशी की बात है कि युवा हुंकार रैली का आयोजन जींद में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा युवा मोटरसाइकिल के जरिए प्रदेश के कोने कोने से पहुंचने वाले हैं। जींद में होने वाली रैली को पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अमित शाह संबोधित करेंगे। साथ ही इनेलू और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि इनेलू और कांग्रेस के पास जो खुद के झंडे हैं वो भी काले हो गए। साथ ही जींद में होने वाली अमित शाह की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने सवाल खड़े किए और अमित शाह हरियाणा के लोगों को डराने आ रहे हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने अपनी रैली का नाम की हुंकार रैली रखा है और आगे कहा कि जाटों की ओर से जो मांग की जा रही है, हर एक वर्ग को अपनी मांगे रखने का अधिकार है और इसलिए सरकार को हिसाब कर देना चाहिए कि जाट समुदाय को आरक्षण देना चाहती है या फिर नहीं। साथ ही गुप्ता ने गोवा के पर्यटन मंत्री की ओर से हरियाणा को लेकर जो बयान दिया गया उस पर टिप्पणी की। गोवा के मंत्री किस लिए हरियाणा को गंदा कहते हैं, गंदा देखते हैं, जबकि देश के लिए मेडल्स भी हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं, सीमा पर भी हरियाणा के जवान देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा 2014 को गैस टीचर्स के धरने पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गैस टीचर्स के बड़े बड़े वादे उनकी ओर से किए गए थे और कहा कि पहली कलम से 15,000 टीचर्स को नौकरी दी जाएगी, उनको पक्का किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि गैस टीचर्स को समान रूप से समान अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन सरकार बने 3 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, उसके बाद मांगे नहीं मानी गई हैं। इसी कड़ी में सीएम सिटी करनाल में अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लगाया। महिला शिक्षकों ने सामूहिक तौर पर मुंडन करवाया। दरअसल इनकी मांग है कि सरकार गैस टीचर्स को पक्का करे, लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने के बजाय सुनने को भी तैयार नहीं, ये आरोप है। इसी कड़ी को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से करनाल में महिलाओं ने खून से खत लिखा। सीएम को चेतावनी दी गई कि सीएम मिलने आए। आपको बता दें कि सीएम मिलने नहीं पहुंचे। अपनी चेतावनी के अनुसार महिलाओं ने सामूहिक मुंडन भी शुरू करवा दिया। करनाल के साथ पूरे प्रदेश में महिला शिक्षकों का पक्का करने को लेकर यह विरोध जारी है। हालांकि सरकार की ओर से इस विरोध को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद महिला शिक्षकों ने मजबूर होकर सामूहिक मुंडन करवाना शुरू कर दिया है। वहीं हिसार में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने
सचिवालय में प्रदर्शन किया, अपना धरना शुरू कर दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि उनका अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तर पर धरना शुरू हो गया है और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं जारी रहेगा। साथ ही आशा वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान विमला राठी ने कहा कि 7 फरवरी को पंचकुला में निदेशक से बातचीत की गई थी लेकिन उसके बाद भी आज तक समाधान नहीं दिया गया है, इसलिए आज से हिसार समेत बाकी स्थानों पर धरना शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनको वेतन दिया जाए, मेडिकल भत्ता, प्रसूति जो अवकाश है वो दिया जाए, सभी तरह के सरकारी भत्ते उनको दिए जाए। वही महाशिवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है जिसे हर साल भगवान शिव के भक्त मनाते हैं। भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ लेने जाते हैं। वहीं हरियाणा में भी कांवड़ियों की धूम देखी गई है। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब, हरियाणा और इसके साथ लगते हिमाचल में हजारों कांवड़िए सड़कों पर देखे गए, नाचते गाते गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था लिए हर दर्द को सहते हुए ये कांवड़िए बम बम भोले के जयकारे लगाते लगाते अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अम्बाला हरिद्वार रोड पर श्रद्धालु के साथ जगह जगह उनके लिए टेंट लगाए गए हैं। खान पान समेत कांवड़ रखने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं, इनके आराम का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही हरियाणा और पंजाब पुलिस भी दिन रात पैदल सफर तय करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद नजर आई है। साथ ही ट्रैफिक पर नजर रखती है, किसी भी तकलीफ के समय उनकी मदद के लिए अग्रसर रहती है। हरियाणा के सीएम सिटी करनाल में देर रात से हो रही हल्की फुल्की बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी से किसानों की फसलों को फायदा होगा। सुबह हल्की ओलावृष्टि भी देखी गई जिसको लेकर किसानों का साफ कहना है कि अब तक जितनी बरसात हुई है उससे किसानों को फायदा होगा, उनके फसलों को फायदा इससे मिलने वाला है। फसलों को जो पानी लगाने का जो काम रहता है उससे राहत मिली है। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि अगर इससे ज्यादा बरसात होती है तो वो फसलों के लिए नुकसानदायक होगी। वहीं पंचकुला के सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले बुजुर्ग लोगों को सारथी सहायक मिल रहा है, जो कि बुजुर्ग लोगों को डॉक्टर की पर्ची कटवाने से लेकर डॉक्टर के पास लेकर जाना, उपचार करवाना, दवाएं दिलवाना तक सभी कामों में मदद करेगा। आपको बता दें कि अब बुजुर्गों को पहले की तरह उपचार के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना होगा। आप सीनियर सिटीजन को उपचार के लिए पूरी मदद दी जाएगी। साथ ही अस्पताल के सीएमओ संजीव का कहना है कि सीनियर सिटीजन के लिए सारथी सेवा शुरू की गई है जो उनका उपचार, दवाई और बाकी टेस्ट करवाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक हेल्प डेस्क भी शुरू की जाएगी जहां पर बुजुर्गों को डॉक्टर, दवाई और टेस्ट एक जगह पर मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाना उनको नहीं पड़ेगा। वहीं रतिया के गांव गुनाल में पुरातत्व विभाग और केंद्रीय संग्रहालय विभाग की ओर से 6 चरण की खुदाई जारी है। विभाग की उप निदेशक डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य की देखरेख में खुदाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक स्थल पर पहले की खुदाई के दौरान अभी तक प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो 8000 साल पुराने हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता करीब 3500 साल पुरानी है। राष्ट्रीय संग्रहालय और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को खुदाई से काफी उम्मीदें हैं। वहीं चरखीदादरी में दिल्ली रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुबह सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की, हजारों लीटर नकली डीजल बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग ने पेट्रोल पंप के टैंकर में तेल डालते वक्त 12000 लीटर नकली डीजल बरामद किया। वहीं मौके पर पहुंची खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम ने तेल के सैंपल्स लिए हैं। तेल टैंकर के पास ऑयल कंपनी की बिल्टी और बाकी दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। फिलहाल तेल से भरा टैंकर कब्जे में लिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मेवात जिले के बुनहाना कस्बे के गांव नाहरपुर में लोग करीब 5 दशक से जर्जर बिजली के तारों से परेशान हैं। गांव में करीब 5 दशक पहले बंसीलाल की सरकार में बिजली की तारें डाली गई थी, जिन्हें आज तक ठीक नहीं करवाया गया, ना ही बदला गया है। जर्जर तारों के चलते हादसे होने का भय लगातार बरकरार है। इस कारण बिजली अक्सर गुल रहती है, बिजली व्यवस्था जो है बाधित रहती है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बिजली न होने के चलते गाँव में पीने के पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पाती, जिसके चलते आमजन पूरी तरह से परेशान है। अधिकारियों को कई बार सूचना दी, समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। वहीं गुरुग्राम में साउथ कोरिया की रहने वाली एक महिला और उसके दोस्त के साथ 10 फरवरी की शाम को दिल्ली जयपुर हाईवे पर मारपीट का मामला सामने आया है और महिला अपने दोस्त के साथ जयपुर से घूमकर वापस लौट रही थी। उसी दौरान मानेसर में रुककर दोनों ने पहाड़ी इलाके की तस्वीरें कैमरे से खींचने की कोशिशें की। उसी दौरान 4 लोगों ने उस महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध किए जाने पर उसके दोस्त के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत इस विदेशी महिला ने मानेसर की महिला थाना में की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बात कर लेंगे भिवानी की, जहां पुलिस ने अखबारों में ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो अखबारों में आकर्षक विज्ञापन देकर अपना शिकार लोगों को बनाता था। ये लोग कई राज्यों में सस्ती दरों पर ऋण दिलवाने, मोबाइल टावर लगवाने, आरबीआई से बोनस दिलवाने, विदेशों में भेजने और एटीएम बंद होने का नाम लेकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से पासबुक, 32 चेकबुक, लाखों की नकदी जेवर और साथ ही 47 एटीएम और 1.5 लाख की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के उत्तम नगर निवासी अशोक और विशु और हिसार के हांसी निवासी हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी कामयाबी के तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो लोगों को विज्ञापन दिखाकर अपना शिकार ये गिरोह बनाता था, वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। बाकी किन लोगों से इस मामले के तार जुड़ सकते हैं, पुलिस ये जानने की लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष इलाकों की लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बदमाशों ने पौष इलाकों और पुलिस स्टेशन से महज 700 मीटर की दूरी पर 4 से 5 घरों को अपना निशाना बनाया है। तो पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि 4 से 5 घरों को निशाना बनाया गया, बेखौफ चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी कई बार चोरी की वारदातें गुरुग्राम से निकलकर सामने आई है। तो इससे पहले भी बदमाश अब तक लाखों की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लाखों की चोरी वो कर चुके हैं। बदमाशों के करतूत एक घर में चोरी करते वक्त सीसीटीवी में कैद भी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इन लोगों को पहचान कर इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें पुलिस लगातार कर रही है। वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में हुए एक हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालात जो है उनके गंभीर बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से रोहतक जा रही एक प्राइवेट बस ने सड़क की दूसरी खड़ी बस को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते यह हादसा पेश आया। हालांकि हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार बताया गया है। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में ले जाया गया, जिनका उपचार जारी है और 4 की हालत गंभीर देखकर बहादुरगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। साथ ही जो ड्राइवर फरार है, पुलिस ने उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा के गोहाना में गांधीनगर में योगेंद्र नाम के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूरी का काम करता था, काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान बताया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मृतक मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर का बताया गया है, जो कि लंबे समय से गांधीनगर में अपने मकान में काम कर रहा था। और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उतारा गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया और आगामी जो कार्रवाई है मामले की वो पुलिस ने शुरू कर दी। तो यूपी का ही मूल निवासी रहा, जिसने खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है और क्या कुछ कारण
खुदकुशी के पीछे हो सकते हैं वो जानने की कोशिश भी कर रही है। शुरुआती जानकारी जो पुलिस को मिली वो ये रही कि ये मजदूर जो है काफी लंबे समय से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था, जिसको कि एक कारण हो सकता है इस खुदकुशी के पीछे। युवक ने फांसी लगाई, अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है और मकान से उसका शव उतारा गया। पुलिस ने शव को उतार के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जिससे ज्यादा साफ हो पाएगा कि ये खुदकुशी थी है या बाकी कोई कहानी भी हो सकती है। तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी जो पुलिस की हमने पहले से आपको बताया, ये निकलकर सामने आया कि मूल रूप से यूपी का रहने वाला ये युवक मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था, जिसके बाद ये खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची है, शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। साथ ही युवक के परिजनों से भी कोशिशें की जा रही है कि संपर्क किया जाए, मामले की सूचना यूपी दी जाए। तो यूपी का ये मजदूर जो भी हरियाणा में रहता था, हरियाणा में मजदूरी वो करता था, उसके मकान से शव बरामद किया गया है। फांसी पर झूलता ये शव मिला है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये खुदकुशी की है या कुछ और भी, हत्या भी हो सकती है, ये जानने की लगातार पुलिस कोशिशें कर रही है।